आजकल उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी को लेकर नरम रुख की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर से उन्हें पलटी मारने के लिए मजबूर करेंगी। इसके पीछे की वजह समाजवादी दिग्गज शरद यादव के निधन पर दिया गया कुशवाहा का एक बयान है, जिसके जरिए कयास ये लगने लगे हैं कि कहीं वो बीजेपी का दामन तो नहीं थामने वाले। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शरद यादव आखिरी समय में मानसिक रूप से अकेले हो गए थे, उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। उन्होंने यहां तक कहा कि भगवान ना करे किसी को ऐसी मौत मिले। कुशवाहा ने कहा कि जिन लोगों को शरद यादव ने बनाया, उन लोगों ने अंतिम वक्त में उनसे बात तक करना छोड़ दिया। हालांकि कुशवाहा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव से आने वाले कुशवाहा की सियासी महत्वाकांक्षाओं ने उनको राष्ट्रीय फलक तक पहचान दिलाई है। 1985 में उन्होंने पढ़ाई करने के दौरान ही राजनीति में कदम रख दिया था। 1988 तक वो युवा लोकदल के राज्य महासचिव रहे और 1988 से 1993 तक राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। 1994 में समता पार्टी का महासचिव बनने के साथ ही उन्हें बिहार की राजनीति में महत्व मिलने लगा। वो लालू यादव की सामाजिक राजनीति के प्रशंसक थे, लेकिन लालू की ज्यों ज्यों कांग्रेस से नजदीकी बढ़ी, उपेंद्र उनसे दूर होते गए। 37 साल का सियासी सफर तय कर चुके उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी नजदीकियां रहीं, तो कांग्रेस से भी उनके मधुर संबंध रहे। यूं तो वो राज्य से केंद्र तक की राजनीति में तमाम पदों पर रहे, लेकिन मंजिल की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। यही वजह है कि वो बार बार रास्ता बदलते रहे हैं। वो इस बात को खुलकर दिल से स्वीकारते भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा का गठन किया। एक साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनकर उनकी पार्टी को बिहार में 3 सीटें मिली। ये सीटें थी काराकाट, सीतामढ़ी और जहानाबाद। मोदी लहर पर सवार रालोसपा का रिजल्ट शत प्रतिशत रहा। वहीं रालोसपा जिस तेजी के साथ बिहार और देश के राजनीतिक फलक पर उभरी, उसी तेजी से नीचे भी गिर गई। 2018 में उपेंद्र जब एनडीए से अलग हुए तो पार्टी भी टूट गई। जहानाबाद से रालोसपा सांसद रहे अरुण कुमार ने राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई। सीतामढ़ी से सांसद रहे राजकुमार शर्मा जदयू के साथ चले गए। पार्टी के तीनों विधायकों ने भी बगावत करके खुद के मूल पार्टी होने का दावा कर दिया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट और उजियारपुर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर मायावती की बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ नया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उनके गठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया, पर इनके गठबंधन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीत ली, लेकिन रालोसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। जिसके बाद मार्च 2021 में रालोसपा का जदयू में विलय हो गया। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कोइरी समाज से। ऐसे में रालोसपा के जदयू में विलय के बाद ऐसी चर्चाएं रही कि नीतीश ने ये कदम कुर्मी और कुशवाहा जातियों के साथ एक शक्तिशाली राजनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखकर किया है। बहरहाल अब सवाल यही है कि दशकों की सियासी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।